वेलकम टू स्टडी आई और मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ये सवाल है लीगलाइज करवा दें क्या गांजा कैनविस मारियोना मैरीजेन चरस हशीश ये जो सारे के सारे शब्द हैं बेसिकली थोड़े से लोडेड हैं, थोड़े से टैबूड आर अ काइंड ऑफ अ ड्रग एंड वी शुड कीप अवे फ्रॉम द ड्रग्स नो डाउट अबाउट इट लेकिन मारियना के कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझना जरूरी है कि कई जगहों पर कई देशों में यह लीगलाइज है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 18 स्टेट्स में लीगलाइज है और बाकी स्टेट्स में डी है यानी कि वैसे तो इ है परंतु बेसिकली अगर किसी के पास पाया जाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जाते आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि मारियूआना या जिसको गांजा भी कहते हैं कैनबिस भी कहते हैं ये सब ऑलमोस्ट सिनोनिम वर्ड हैं एक ही फैमिली के वर्ड हैं इसको लीगलाइज कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे पहले कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होता है आखिर मारियना या फिर गांजा स्मोक करने से जिसको कहा जाता है कि हाई आ गया जो इंडिविजुअल है हाई हो जाता है वो किस वजह से वो हाई की फीलिंग आती है मतलब कि वो साइको एक्टिव इफेक्ट्स इस प्लांट्स के क्यों होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर देन द पॉइंट इज दैट कि मारियना हैज बीन नोन टू हैव मेडिकल यूजेज इसके कई प्रकार के मेडिकल यूजेस हैं विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे कैसे बॉडी पर इफेक्ट करता है एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल अगर इसको कंट्रोल तरीके से समझदारी से यूज किया जाए एंड देन इट्स अ ड्रग इट्स अ ड्रग एंड इट हैज सेवरल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आल्सो तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो ये साइको एक्टिव होते हैं साइको एक्टिव प्लांट्स होते हैं इनका हर कल्चर में कहीं ना कहीं पर बहुत डीप मीनिंग होता है ये स्पिरिचुअलिटी रिलीजियसिटी के लिए यूज होते हैं विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में ऑब्वियसली कहीं पर हमारे यहां पर भी जो साइको एक्टिव कंपाउंड है उनका डीपली रिलीजियस और स्परिचुअल मीनिंग रहा है और यूज भी रहा है वट डन लॉ से अबाउट दी मारियना और गांजा एंड देन वट एक्जैक्टली आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द लेजिस्ट इसको लीगलाइज करने के बेसिकली क्या फायदा होगा या कोई नुकसान है एंड देन आई लिव इट अपॉन यू कि आप कैसे मैंने क्यों पूछा इंजीनियरिंग स्टूडेंट से वेल इट इज नॉट सो ऑफ्टन अनटोल्ड सीक्रेट की इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं ना कहीं पर का यूज मिल ही जाता है सेम स्टोरी अप्लाइज टू दी डिफरेंट कॉलेज ऑल्सो राइट चलिए देखते हैं सबसे पहले बात यह करते हैं कैनबिस के बारे में इस जो प्लांट का नाम होता है जिससे गांजा बनता है चरस बनता है उस प्लांट का नाम है कैनबिस अब कैनबिस का जो यूज है रिक्रिएशनल पर्पजेज के लिए ड इन द मोस्ट कंट्रीज राइट रिक्रिएशनल और मेडिकल दो यूजेस को आप डिफ्रेंशिएट uh, करेंगे मेडिकल का यूजेज मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है पेन हो रही है और उसको मारी होना का को कोई प्रोडक्ट दिया गया है टू रिलीव द पेन टू रिलीव दाइटी और रिक्रिएशनल यूज यानी कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है जस्ट फॉर द साइको एक्टिव कंपाउंडो साइको एक्टिव इफेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल उसको यूज करता है फॉर द फन फॉर गेटिंग हाई टू व एंजॉयमेंट टू बी मोर प्रोसाइज हाँ लेकिन कई जगहों पर पॉलिसी ऑफ डी क्रिमिनलाइजेशन चल रही है यानी कि अगर किसी के पास गांजा या मारियाना मिलता है तो उसको नॉन क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है जैसे कोई माइनर ट्रैफिक वॉलेशन हो गई सवाल यह है कि देर आर सम कंट्रीज जैसे कि कुछ एशियन और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है जहां पर थोड़ा सा शरिया लॉ मिलता है जिसमें ड्रग्स और एल्कोहल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वहां पर थोड़ा सा मतलब कि आधा ग्राम गांजा मिलने पर भी बेसिकली कहीं से कहीं एक दस पंद्रह साल की जेल हो जाती है कभी कभी नाउ देर आर सेवरल कंट्रीज लाइक कैनेडा जॉर्जिया मैक्सिको मैक्सिको ने रिसेंटली किया है साउथ अफ्रीका यूरोगवे जहां पर ये कंप्लीटली लीगलाइज है फ्रीली अवेलेबल है इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको मोरोलेस डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है एंड इन 18 स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कंप्लीटली लीगल भी किया गया है पॉपुलर रिक्रिएशनल ड्रग इट इंडीड अगर हम बात करें अल्कोहल, कैफीन और टोबैको याद रखिए कैफीन जो चाय कॉफी पीते हैं इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ड्रग, राइट और यूजली बहुत ज्यादा यूज तो टॉलरेंस एंड गेट्स एडिक्टेड टू दी कैफीन अगर आपने से कोई चाय या कॉफी पीता है तो आप एक बार छोड़ के देखने की कोशिश करना आने वाले तीन चार दिनों तक तो बड़ी ही एंगजाइटी और बड़ी एमटी फीलिंग आती है सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ड्रग एल्कोहल कैफीन और टोबैको के बाद जो कैनबिस होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्रग है पूरे के पूरे वर्ल्ड में सवाल ये है कि जो कैनबिस इसमें क्या फंडा होता है कि आप ये जो प्लांट है जिसका नाम है कैनबिस इसके फूल पत्तियों को लेते हैं उसको एक जॉइंट बनाते हैं एंड देन यू कैन स्मोक जस्ट लाइक यू स्मोक सिगरेट और समथिंग जैसे वो आपने कभी देखा होगा कुछ साधु होते हैं वो चिलम में डाल के ले लेते हैं या फिर कहीं पे किसी मूवी में देखा हो तो जॉइंट में उसको जिसको मतलब की सिगरेट को जॉइंट कहा जाता है उसको लेते हैं तो कैनब इसके तीन प्रकार के इफेक्ट होते हैं इससे ट्राइफेजिक अगर ये इसको कोई स्मोक करता है तो उसको तीन प्रकार के इफेक्ट होते हैं ट्राइफेजिक सबसे पहले प्राइमरी साइको एक्टिव इफेक्ट प्राइमरी क्या होता है कि आदमी एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में चला जाता है आप अगर आप किसी को इसमें जानते हैं तो द पर्सन बिकम्स रिलैक्स लाई डाउन थोड़ा सा यूफोरिया हो जाता है थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है यूफोरिया आ जाता है विच इज प्रोबली कम विच इज प्राइमरली कमिंग फ्रॉम द साइको एक्टिव कंपाउंड ऑफ दिस प्लांट जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोकेबिनोल इस प्लांट के अंदर एक कंपाउंड है जिसकी वजह से सारे के सारे इफेक्ट आते हैं फर्स्ट सबसे पहले स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन आ जाता है थोड़ा सा यूफोरिया महसूस होता है देन सेकेंडरी दूसरे वाला जो इफेक्ट होता है फैसिलिटी फॉर फिलोसफिकल थिंकिंग इंट्रोस्पेक्शन मेटाकॉग्निशन एंड विद द एंगजाइटी और पेरोनिया यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो कुछ गांजा स्मोक करता है उसको ज्ञान देने की आदत हो जाती है थोड़ा सा वो अलग लेवल पर मेटाकॉग्नेशन या फिलॉसफिकली सोचने लग जाता है इस प्रकार से उसको बिकॉज दीज आर साइको एक्टिव कंपाउंड तो ये आपकी परसेप्शन और थिंकिंग को चेंज करते हैं इन सर्टन मैटर्स एंड यू ट्राई टू थिंक इन ए मच मोर कोहिजिव और मच मोर मैनर uh, जिसमें आपको यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादा दिखने की कोशिश करते हैं यू गेट फिलोसफिकल वाइल स्मोकिंग मारी एंड देन फाइनली द टर्शरी साइको एक्टिव यानी कि और इफेक्ट जो होते हैं जिसमें बेसिकली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है डिपेंडिंग ऑन दैट किसी की हार्ट रेट बढ़ जाती है कोई खाना ज्यादा खाने लग जाता है एंड दीज इफेक्ट्स आर स्पेसिफिकली हैपनिंग ड्यू टू द टेट्रा हाइड्रोकेबेनॉल इट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ये जो प्लांट होता है इसके अंदर ये कंपाउंड है जो कि बॉडी के अंदर ये साइको एक्टिव इफेक्ट्स डालता है जिसका नाम है डेल्टा नाइन टेट्राहाइड्रोकेगलोल इसको टेक्निकली कहा जाता है टी एच सी कैनबिस यानी कि मारियोना का जो प्लांट है उसमें प्राइमरली दो इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे पहला तो टी एच सी ठीक है ये साइको एक्टिव है जो भी बॉडी के अंदर परसेप्शन चेंजेस थिंकिंग चेंजेस आते हैं वो इसकी वजह से आते हैं एंड देन देर इज अनदर सी बी डी जिसको कैनिबीडो डायोल कहते हैं ये नॉन साइको एक्टिव है अब इन दोनों के दोनों कंपाउंड्स के अलग अलग असर होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ द पर्सन जिसमें जैसे कि किसी ने कुछ गांजा खरीदा है और उसमें टी का कंपोनेंट ज्यादा है तो उसको साइको एक्टिव ज़्यादा इफेक्ट्स आएंगे और अगर किसी ने डिपेंडिंग ऑन द मेडिसिनल यूज जो होता है मेडिसिनल यूज़ के अंदर सीबीडी का कंपोनेंट ज़्यादा होता है जिसका यूज होता है एनर्जेसिक मसल रिलेक्सेंट एंगज्जाइलॉटिकंगजाइलिटिक मतलब जिसको एंगजाइटी हो रही है तो उसकी एंगजाइटी कम हो जाती है न्यूरो प्रोटेक्टिव एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी सीजर जिसको दौरे पड़ते हैं उसको बेसिकली हेल्प करता है सीबीडी वाला हायर कॉम्पोनेंट वाला गांजा एंटी इन्फ्लोमेट्री ठीक है साथ ही साथ जो टी एच सी विच इज यूजली यूज फॉर द रिक्रिएशनल यानी कि जिस भी गांजा में जैसे कि आपके अलग अलग वेराइटी के होते हैं जैसे कि मलाना क्रीम हो गया तो मलाना क्रीम जो हो गया उसके अंदर टी एच सी कॉम्पोनेंट ज्यादा होता है जिसमें एनलजेसिक मसल रिलैक्सेंट एंटीमेटिक एंटीमेटिक का मतलब कि उल्टी अगर आ रही हो तो आना बंद हो जाती है इट इज़ यूज फॉर दैट एपेटाइट ट्यूबलेट भूख लग जाती है साइको एक्टिव इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग प्रकार की परसेप्शन दिखती है लाइट्स में मीनिंग में म्यूजिक में मूवीज़ में अलग मीनिंग दिखने लग जाता है यू गेट अ फिलोफिकल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द थिंकिंग सवाल ये है कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या मारियोना के कोई मेडिकल यूजेज है एंड देर आर लॉट एंड दिस इज द रीजन वाई जहाँ पर कई कंट्रीज में लीगलाइज किया भी गया है सबसे पहले पेन का रिलीफ होता है देरा अगर कुछ क्रॉनिक पेन होता है तो मारियना यूजर्स बताते हैं कि उनको वो क्रॉनिक पेन से छुटकारा मिलता है सीवियर नोजिया एमिटिक फीलिंग जो अगर उल्टी आ रही है नोजिया की फीलिंग हो रही है उसको रिलीफ मिलता है कैंसर uh, पेशेंट्स uh, जो कि एक्चुअली में या रेडियोथेरेपी के थ्रू जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नोजिया होता है एंड इट हैज़ बिन फाउंड की यूजिंग मारियोना ना बेसिकली मे रिलीफ फॉर देट एंड स्पेसिफिकली एक इंटरेस्टिंगली जो यूज पाया गया है जो टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स होते हैं राइट दे आर अबाउट टू डाई विद इन वन मंथ्स और टू मंथ्स और सिक्स मंथ्स उनको एट गिवन टाइम अगर मारियोना दिया जाता है सो दे कैन डाई विद अ मच मोर रिलैक्स्ड स्टेट नाउ इट इज कंसीडर्ड कि पेशेंट्स बिकम मोर कंफर्टेबल विद लेस पेन एंड एंगस्ट क्योंकि यू नो यू आर लूजिंग द लाइफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट इट यू आर हेल्पलेस एंड देर इज सो मच एंगस्ट इन द लाइफ सो उसमें मारियोना हैज बीन सीन एज अ जो उसकी मेंटल स्टेट है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए इट अलाउज फॉर अ पीसफुल डेथ विच कैन बी कंसिडर्ड लिविंग विद डिग्निटी इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग विद द पेन उसके बाद कैनबिस जो है इसके बड़े सारे से मेडिसिनल यूजेस हैं जैसे कि क्रॉनिक मसल और ज्वाइंट पेनस में हेल्प मरता है जिसमें जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स होते हैं चाहे साइकोलॉजिकल हो या कोई और मेंटल अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स होते हैं ऑटिज्म बाइपोलर डिसऑर्डर्स इवन डिप्रेशन को क्योर करने में इसका यूज होता है अब यहां पर ये टू डबल एजिड स्वर्ड है देर आर केसिस जहां पर हेल्दी इंडिविजुअल जब बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हैं मारियना का देर इज देर आर पीपल हु आर इन डिप्रेशन अगर वो मारियना का यूज करते हैं दे है इट हेल्प कमिंग आउट ऑफ इट एल्कोहलिज्म होता है कि आदमी इनवॉल्ट्री गालियां देने लग जाता है एंड दीज ऑल थिंग्स है

But when you use them, when an individual uses them, it induces a proclivity to use much harder drugs. जैसे कि कोकीन और हीरोइन नाम के जो drugs हैं, they are so powerful and they are so dysfunctional. उसका एक बार या दो बार use करना भी

रोइन अब सवाल यह है कि यह जो डेंजरसटेंस अगर है दूसरा मारियोना है इंक्रीज रेट ऑफ क्राइम एंड दिन यानी कि यंग टीनेजर्स अगर एसिड ड्रग्स का यूज कर देते हैं तो दे एक्चुअली फॉल इन टू द्राइम बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी मारियोना यूजेज ऑल्सो हैव बीन एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल अब नॉर्मेलिटीज रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड इम प्रॉपर पेरीनेटल डिवलपमेंट तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल यूजेज में इसके फायदे भी हैं जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक तो यूज़ किया है उसको न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज भी हो जाती हैं एंड मेन प्रॉब्लम अगर हम लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं द प्रॉब्लम इज दैट की गुड डेटा अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द मेडिकल ऑफ एक्चुअली एग्जिस्ट एक बार हम ये और देखते हैं कि इंडिया में इसका क्या सिचुएशन है इज इट वट इज द स्पेस ऑफ इट नाउ भारत जो कल्चर है एज अ कल्चर उसमें साइकोएक्टिव कंपाउंड्स काफी डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल मीनिंग रखते हैं सबसे पहले जैसे कि महाशिवरात्रि के बारे में बात करें या होली के बारे में बात करें यहां पर कंजम्पशन ऑफ हैव ऑलवेज़ बीन एज ए पॉजिटिव थिंग राइट भांग जिसको कहते हैं वो भी एक कैनबिस का ही प्रोडक्ट है भांग को स्पिरिचुअल uh, uh, तरीके से रिलीजन में रिलीजन प्रैक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसज में इंडिया में काफ़ी जगह काफ़ी कल्चरल एक्सेप्टेंस है यूज़ किया जाने पे दो फेस्टिवल स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं सबसे पहला हो गया होली का और दूसरा महाशिवरात्रि का बिकॉज द मारियोना और जो भांग है ये जो दोनों ये जो जिस प्रकार के ड्रग है ये भगवान शिव से बड़े एसोसिएटेड है ठीक है इट इज हैड एज द इलेक्सियर ऑफ लाइफ ठीक है ऐसा माना जाता है पहले हमारे यहाँ पर जो था अगर अगर इतना इंपॉर्टेंस है तो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कैनबिस वॉज एक्चुअली लीगल टू कंज्यूम इन इंडिया लेकिन 1961 में यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट द ड्रग्स जिसमें उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनली प्रेशर किया टू बैन द यूज ऑफ कैनबिस हमारे यहां पर चरस भी लीगल था गांजा भी लीगल था भांग भी लीगल था बिफोर नाउ सिंस दैट इंटरनेशनल प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हमने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट विच इवेंचुअली प्रोहिबिटेड प्रोड्यूसिंग एंड दी सेलिंग ऑफ दी कैनबिस राइट तो गांजे के जो भी प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे प्रोहिबिटेड कर दिए गए द क्वेश्चन ईयर इज दैट बट सर भांग तो फिर भी अवेलेबल है इंडीड अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो कुछ गवर्नमेंट शॉप्स पर भी भांग अवेलेबल होता है हाउ इज दैट

हैश और चरस के अंदर भी फर्क होता है चरस बेसिकली बनाया जाता है लाइव मारियना प्लांट से और हशीश बनाया जाता है, हैश या हशीश जिसको कहते हैं वो बनाया जाता है डेड मारियाना या फिर डेड कैनेबिस प्लांट से एंड देन गांजा द फ्रूटिंग एंड the टावरिंग टॉप्स आफ्टर सीड्स एंड leaves आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम the cannabis। तो बेसिकली जो फ्लावर होता है कैनबिस प्लांट का तो उसमें से जब सीड्स को निकाल लिए जाते हैं तो उसको गांजा कहा जाता है वेरी पॉपुलर इन सेवरल ऑफ द स्टेट्स सवाल यह है कि एनी अदर सॉर्ट ऑफ मिक्सचर इंक्लूसिंग इन एनी फॉर्म ऑफ कैनबिस जो ये सारे के सारे चीज होते हैं जो सारे के सारे हमारे देश में बैंड है बट इंटरेस्टिंगली दिस डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स इन दी नारकोपिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक साइको एक्ट डज नॉट कवर भांग भांग को कवर नहीं किया जाता है इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ भांग विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कैनबिस राइट दैट इज वाई इन सेवरल स्टेट इन इंडिया राजस्थान टू बी पर्टिकुलर इट इज लीगल टू सेल एंड कंज्यूम भांग

फ यू आर टॉकिंग अब द लीगलाइजेशन देर आर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ मारियोना लीगलाइजेशन सबसे पहले एक तो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सेल्फ एल्कोहल एंड टोबैको विच आर ह्यूज ह्यूज सोर्सेज ऑफ द रेवन्यू फॉर दि गवर्नमेंट द सेम थिंग विच कैन बी कंसिडर फॉर द मारूवा विल ब्रिंग सो मच रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड द सेम मनी कैन एक्चुअली बी यूज फॉर सम मच मोर वेलफेयर ऑफ दिनरल पब्लिक सेकंडली इंडियन क्लाइमेट इज वेरी मच फेवरेबल हिमाचल हो गई उत्तराखंड हो गई ऐसी एरियाज है जहां पर इस समय भी मारिवा की खेती होती है एंड इट हैज वेरी ऑप्टिमम क्लाइमेट फॉर लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन लीगलाइज हो, जा सकता है, हो जा जाता है भारत के अंदर सो दिस कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी गुड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट फॉर दंट्री देन इट माइट गिव इट विल एक्चुअली बिकॉज दिस इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इट विल गिव अज बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इंडिया ऑल्सो नेबिस के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट्स हैं जैसे कि टीएचसी हो गया सीबीडी हो गया विच हैव फाउंड टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन करबिंग द मेंटल हेल्थ इट हैज एंटी डिप्रेशन इफेक्ट ठीक है जो कि एक्चुअली में अगर हम देखें एंटी यूजुअली यूजअली केमिकल ड्रग्स से किया जाता है दे डू मच मोर हार्मेफिट वेर इज कैनबिस इज नेचुरल प्रोडक्ट बेसिकली फाउंड इन प्लांट्स products found in the plant of the cannabis, जो कि basically इसकी काफी फायदा कर सकते हैं But are these arguments enough for the legalization of marijuana the biggest problem and there are several cons with the marijuana also and the biggest problem which comes is that about the gateway drug gateway drug in the sense sabse pehle, isme jo active ingredient hai, thc or cbd they are fine in itself but usually jo cannabis hai, they are actually smoked with the cigarette like tobacco ke hi smoke kiya jata hai, in general now, those have carcinogens ki the things which can actually have कैंसर प्रॉपर्टी जो कि बॉडी के अंदर कैंसर कर सकते हैं नाउ व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई वॉल्यूम ऑफ कार्सिनोजेंस इट वुड लीड टू मच मोर लार्जर लाइफ थ्रेटिंग इश्यूज एंड इवन द इकोनॉमिक इश्यूज। पहली बात तो ये प्रॉब्लम हो गई दूसरा कॉन्स्टेंट कंज़म्पशन ऑफ कैनबिस। सो द हाईली एडिक्टिव ड्रग्स आर सबसे पहले निकोटीन और उसके बाद हेरोइन कोकेन क्रैक इट्स अ फॉर्म ऑफ कोकेन एंड दी मेटा एम फिटमी जो ड्रग्स हैं बहुत ज्यादा हाइली हाइली देम वंस एंड यू गेट एडिक्टेड टू दैट एंड फॉल इन टू दिसकल ऑफ ड्रग्स हाउवर ड्रग्स के अंदर दो ड्रग्स एक मारियना और एलएसडी आर कंसिडर्ड नॉन एडिक्टिव बट उसके बावजूद भी वंस समबड़ी डिवेल्स हैबिट बन जाती है इट डिवेलप्स ड्रग हैबिट एंड वंस एक्चुअली वो हैबिट बन जाने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप इसके विड्रॉल सिम्टम्स दो माइल्ड होते हैं बट साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है एक्चुअली में ह्यूमन बिहेवियर भी इसमें पैदा हो सकता है मारियना कैन ऑल्सो टर्म मेमरी और स्टडिंग टाइप की जैसे पढ़ने में पढ़ने वाले लोग अगर मारियोना करते हैं तो भाई फिर तो हो गया पेपर क्लियर कट ठीक है कुछ और स्किल्स हैं ड्राइविंग है मशीन ऑपरेशन प्रॉब्लम है एंड एज आई मैं बिगेस्ट प्रॉब्लम इट्स द गट विद ड्रग इट सीम्स हार्मलेस बट इट ओपन डोर्स टू द मच हार्डर ड्रग्स लाइक रोइन और बेसिकली मेट आई दैट इज दॉब प्रॉब्लम सिर्फ लीगलाइजेशन की नहीं है इंप्लीमेंटेशन की है इन अ कंट्री लाइक इंडिया अब यहां पर इसको मेडिकल यूज के लिए डेफिनेटली किसी प्रकार से कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन लाकर ओपन कर सकती है एंड हाउट विल बी एडमिस्टर्ड दिस बट दिस डिबेट और डिस्कशन अबाउट दि मारियोनाटली शुड बी ओपन माई क्वेश्चन What do you think? Right? In very direct terms, what do you think about the legalization of marijuana? Is it yes or is it no? This YouTube comment shall actually fill that up with a yes or no. Second, what do I think? India is not ready for it. India as a society doesn't have that infrastructure where a legalized drug like marijuana will have the beneficial effect, it has much more uh, potential of misuse. Probably. But nevertheless, let's start discussing and debating about it. I'll be waiting uh, in the comments for it. Have a nice day.